वेलकम बैक फ्रेंड। आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज मैं आप लोग के बीच अपने चैनल स्टडी इंडिया अड्डा पे साइंस के टॉप 1000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं प्रत्येक दिन पार्ट बाय पार्ट वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है तो आप लोग इस चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। और जो इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगा उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको आगे आने वाले जितने मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए, ठीक है। और इस चैनल के साथ जुड़िए। इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत से करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी रिलेटेड SSC, बैंकिंग और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स आप ऑलरेडी देख सकते हैं, इस चैनल पर 6 मंथ का है, उससे रेलवे AL पे बहुत क्वेश्चन उसी से लगभग आ चुके हैं। कमेंट में भी देख सकते हैं, कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आपके वीडियो से बहुत क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो आप चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें। और ये फर्स्ट पार्ट है, करंट साइंस का फर्स्ट पार्ट है, और इसके बाद नेक्स्ट डे मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। ऐसे करके पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग 1000 जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं साइंस के वो हम लोग कवर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसके संबंध का मामला है। कहने का मतलब है तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसके संबंध का मामला है, मतलब किसके संबंध से रिलेट करता है। इसका ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं, चार्ल्स का नियम, न्यूटन के शीतलन नियम, ऊष्मा के नियम, विनिमय नियम एंड ऊर्जा के संरक्षण के नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऊर्जा के संरक्षक नियम। जो तापगतिकी का नियम जो है, तापगतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण का नियम से रिलेट करता है। इसे अब इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, वेयर डेल क्यू इज इक्वल टू ये कांस्टेंट निकाय है अवशोषित ऊष्मा का, एंड डेल यू इज इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि है, एंड डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू किया गया कार्य है, ठीक है। इससे जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तापगतिकी का प्रथम नियम जो है समानता किससे रिलेट करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऊष्मा के संरक्षण के नियम से ये रिलेट करता है, ठीक है। इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल ठंडा क्यों होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उससे वे विपरीत कर देता है। ये काला रंग का जो है उसका प्रॉपर्टी है, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र क्यों शीतल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके पास जो भी उस प्रकाश पहुंचता है वो उसे परिवर्तित कर देता है, ठीक है। क्योंकि आप काला वस्त्र की अपेक्षा श्वेत वस्त्र बहुत शीतल होते हैं, क्योंकि श्वेत वस्त्र जो होते हैं ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे भी याद कर लीजिएगा। जबकि काले वस्त्र ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर आप याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। पृथ्वी जो है निम्नलिखित में से क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, पृथ्वी जो है ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी जो है ऊष्मा का खराब अवशोषक और खराब विकिरक है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसे भी याद कर लीजिएगा। पृथ्वी अर्थ के बारे में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो ऊष्मा का खराब अवशोषक एंड खराब विकिरक के रूप में कार्य करता है। ये देखिए मल्टीटास्किंग 2013 का एक क्वेश्चन है, ये रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान बढ़ने पर वो घट जाता है। टेम्परेचर जब अधिक होती है तो कृष्णिका का तापमान बढ़ने पर जो है कृष्णिका का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाती है, ठीक है, लेकिन उसकी तरंगदैर्ध्य घट जाती है। तरंगदैर्ध्य उस अवस्था में घट जाती है, यदि तापमान घटता है तो तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है, ये इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि तापमान बढ़ने पर वो घट जाती है। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्ध्य होता है, तापमान बढ़ने पर घट जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, दो निकाय के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, दो निकाय के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, किस चीज पर निर्भर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त उसके अपने 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 टेम्परेचर पर निर्भर करती है। दो निकाय के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस चीज पर निर्भर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके अपने अपने टेम्परेचर पर निर्भर करती है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी आप जानते भी होंगे कि किसी भी दो निकाय के बीच ऊष्मा का प्रवाह जो होता है उन निकायों के टेम्परेचर के कारण होता है, तापांतर के कारण होता है, ठीक है, इसी वजह से है उनके अपने अपने तापमान पर वो निर्भर करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, प्लांक नियतांक की यूनिट क्या होती है, प्लांक नियतांक प्लांक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेएस, जूल सेकंड होती है, प्लांक कांस्टेंट का जो यूनिट होती है जूल सेकंड होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका कहने का मतलब हो गया कि अर्थात इस टेम्परेचर पे पानी जो है बर्फ बन जाता है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे पानी क्या हो जाता है, बर्फ के रूप में चेंजेज हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलक में हैंड पंप का पानी गर्म होता है, क्योंकि शीतलक में जो है हैंड पंप का पानी गर्म होता है, क्यों गर्म होता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, पृथ्वी के भीतर जो है तापमान, पृथ्वी के भीतर का टेम्परेचर जो है वायुमंडल के टेम्परेचर से अधिक होता है, इसीलिए शीतलक में हैंड पंप का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है, जबकि ग्रीष्म काल में ये चीज नहीं होता, ग्रीष्म काल में दोस्त होता है कि वो गर्मीय जल की अपेक्षा वायुमंडल का टेम्परेचर अधिक होता है और ग्रीष्म काल में क्या हो जाता है कि पानी वो ठंडा हो जाता है, लेकिन इस शीतकाल में उल्टा प्रॉपर्टी होता है, शीतकाल में होता है पृथ्वी के भीतर का टेम्परेचर वायुमंडल के टेम्परेचर से अधिक होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ठंडे देश में शीतलक में झीलें जम जाती है, ठंडा देश में जो है ठंडा प्रदेश में जो शीतलक शीतकाल में क्या हो जाती है, झील जम जाती है, जबकि नीचे का पानी नहीं जमता है, कहने का मतलब इसका राइट आंसर हो जाता है क्यों नहीं जमता है, क्योंकि नीचे का पानी छोड़ करके मतलब पूरा पानी जम जाता है शीतकाल में, तो वो नीचे का पानी छोड़ करके, तो इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है कि वो कितना डिग्री टेम्परेचर पे वो जम जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री टेम्परेचर पे शीतकाल में जो है झील का पानी जो है जम जाता है, ठीक है, क्योंकि ठंडे प्रदेश में शीतकाल में जब वातावरण का टेम्परेचर जो है मतलब कम बेसी होते रहते हैं, ठीक है, गिरते रहते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर कम होते रहता है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक उसका क्या हो जाता है टेम्परेचर पहुंच जाता है, ठीक है, इसीलिए जब तालाब और झील के ऊपर की सतह पर बर्फ बन जाती है जबकि निचले सतह पर क्या हो जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के रूप में रहता है, नीचे का सतह जो होता है सबसे झील के सबसे नीचे का सतह वो वहां पे पानी नहीं जमता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में कभी पूछ दिया जाता है कि ठंडे प्रदेश में जो मछली होते हैं वो झील के बर्फ बन जाता है झील में बट मछली जिंदा रहते हैं, क्योंकि मछली जो होते हैं झील के अंदर सतह पे चले जाते हैं क्योंकि सतह का पानी नहीं जमता है, वो 4 डिग्री टेम्परेचर पे रुका हुआ रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इससे भी आप भीड़ लगा ही लीजिए, याद कर लीजिए तो अच्छा है, और दोस्तों अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं,
टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी इस वीडियो का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और वहीं पे बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल अपलोड करते रहता हूं। आप टेलीग्राम के साथ भी जुड़िए और जितना हो सके इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे तो शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसका यूनिट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का यूनिट है, ठीक है। किलोवाट घंटा क्या है? ऊर्जा का यूनिट है। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा क्योंकि एक किलोवाट बराबर क्या होता है, एक किलोवाट बराबर होता है, एक किलोवाट बराबर होता है 3.6 मेगा जूल अप्रोक्स, 3.6 मेगा जूल होता है, ठीक है, 3.6 मेगा जूल होता है एक किलोवाट बराबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, वह कौन सा टेम्परेचर है जिसपे फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पे इक्वल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस जो है माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस पे जो है फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का जो टेम्परेचर इक्वल होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है दोस्त, आप उसे भी याद कर लीजिएगा, एक फॉर्मूला जिस फॉर्मूला से ये चीज, इस जो टेम्परेचर का जो है फारेनहाइट और सेल्सियस में चेंजमेंट होता है उसे निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू होता है 9y5 होता है दोस्त, 9y5 गुने सेंटीग्रेड प्लस 32। इस फॉर्मूला से आप लोग बहुत से कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है दोस्त कि फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है। फॉर्मूला के थ्रू आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। कभी कभी फारेनहाइट का वैल्यू गिवन रहता है और सेल्सियस का वैल्यू पूछ देता है, कभी सेल्सियस का वैल्यू गिवन रहता है, फारेनहाइट का वैल्यू पूछ दिया जाता है, तो आप इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइनस फोर्टी डिग्री टेम्परेचर पे फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का वैल्यू होता है इक्वल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं, रेफ्रिजरेटर जो है खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं, क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके न्यूनतम टेम्परेचर पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। कहने का मतलब है रेफ्रिजरेटर जो होता है खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं, इसलिए हम लोग रेफ्रिजरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो क्यों, वो किस तरह से वर्क करता है, वो क्या करता है कि रेफ्रिजरेटर न्यूनतम टेम्परेचर पर जीवाणु और फफूंदी को निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त प्रतिशत, अपेक्षित आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, प्लैंक के अचर में किसकी बीमाएं होती है, प्लैंक के अचर में किसकी बीमाएं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, हाँ प्लैंक की अचर में किसकी बीमाएं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय गति। प्लैंक की बीमाएं में जो होती है कोणीय गति का अचर होती है, ठीक है। प्लैंक के अचर में किसकी बीमाएं होती है? कोणीय गति का, एंगुलर मोमेंटम का ये जो होता है ये गति होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप लोग एक फॉर्मूला भी प्लैंक के कांस्टेंट एच इज इक्वल टू प्लैंक अचर का एक फॉर्मूला भी जानते हैं कि ऊर्जा की बीमा अपॉन आवृत्ति की बीमा, मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट जो प्लैंक अचर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है ऊर्जा की बीमा अपॉन आवृत्ति की बीमा। तो ऊर्जा का आप लोग जानते ही होंगे कि इसका बीमा क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है ml² t-2 एंड टेम्परेचर का आवृत्ति का तो t-1 हो जाता है। तो ऊपर जाने के बाद ये टेम्परेचर क्या हो जाता है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। इससे होता क्या है कि ml² t-1 इसका प्लैंक कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला ये जो डायमेंशन हो जाता है।
इसका क्वेश्चन में वो चीज नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में जनरली ये पूछ रहा है कि प्लैंक के अचयन में किसकी बीमा होती है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है कोणीय गति का ये बीमा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप की खराब अवशोषक होती है। श्वेत सतह जो होती है टेम्परेचर की खराब अवशोषक होती है तथा चिकनी सतह होती है अच्छी परावर्तक होती है, क्योंकि अच्छा चिकनी सतह अच्छा परावर्तक होती है, रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, किस चीज पे नहीं करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उस परिपथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, उस परिपथ जिसपे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है जिसपे जो है ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इसका कुछ और भी प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, क्यों इसका ये प्रॉपर्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि अभिक्रिया ऊष्मा अभिक्रिया के ताप के कारकों और उत्पादों के भौतिक स्थिति और स्थिर दाब और स्थिर आयतन दोनों पर निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्त, इसे आप याद ही कर लीजिएगा। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती, क्यों नहीं निर्भर करती, क्योंकि उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है इस चीज पे निर्भर नहीं करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है, दो धातु का जो सोल्डिंग जो होता है वो किस चीज के कारण किस गुण के कारण वो संभव पॉसिबिलिटी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त असंजन, असंजन के कारण जो होता है दो धातुओं का सोल्डरन जो होता है असंजन गुण के कारण ये पॉसिबल है। जब दो धातु के जोड़ पर ऊष्मा का उत्पन्न होता है तो क्या होता है, सोल्डर धातु पिघलती है, इसका प्रॉपर्टी एक ये है कि सोल्डर धातु जो है पिघलती है और ज्वाइंट होकर के वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। ठीक है, ज्वाइंट हो जाती है, इसका एक प्रॉपर्टी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक विशिष्ट ऊष्मा का प्रॉपर्टी अपनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी धातु सामग्री को जो है उसको उपयोग करने के लिए उसकी विशिष्ट ऊष्मा की चालकता जो होती है विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भीषण सर्दी में ठंडे देश में पानी की पाइप फट जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे एंड एसएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, इसे आप याद कर ले, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि भीषण सर्दी में ठंडे देश में पानी की पाइप फट जाती है, किस वजह से पानी की पाइप फट जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जमने पर पानी फैलती है, पानी जब जमता है दोस्त तो फैलती है, इसका एक प्रॉपर्टी है। ठंडे देश में सर्दी के मौसम में वहां का क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री से कम हो जाता है, तो क्या होता है 0 डिग्री से कम होने की वजह से पानी वहां का जमने लगता है, फिर फ्रीजिंग होने लगता है। ठीक है, तब जब पानी जम जाएगा तो उसका आयतन प्रसार होता है, आयतन उसका जो होता है पानी का वाटर का फैलने लगता है, और बंद पाइप में क्या होता है स्थान न होने के कारण अत्यधिक दबाव के कारण क्या होता है पाइप फट जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसे आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, कम टेम्परेचर पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त रुदोच्छ विचुंबकन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, कम टेम्परेचर पैदा करने के लिए जो होता है एक सिद्धांत है रुदोच्छ विचुंबकन सिद्धांत का यूज किया जाता है। ठीक है, इस ये सिद्धांत के बारे में कुछ और भी हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि जान लेते हैं, जो कि रुदोष विचुंबकन विधि जो होता है ये परम शून्य टेम्परेचर को प्राप्ति की दिशा में विशेष महत्वपूर्ण है, परम शून्य टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सिद्धांत है। इस विधि के तहत क्या होता है दोस्त कि विशिष्ट पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उसका टेम्परेचर जो है कम किया जा सकता है, टेम्परेचर कम करने के लिए
ये रिलेट करता है रुद्रोष्म बीज चुंबकन सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? कहने का मतलब है शीतन की दर किस पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, शीतन की दर जो होती है बॉडी और उसके आसपास की चीजें के बीच टेम्परेचर के अंतर। शीतन की दर जो है बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच टेम्परेचर के अंतर पर डिपेंड करती है। क्योंकि आप लोग एक न्यूटन का फॉर्मूला भी जानते होंगे कि न्यूटन के शीतलन नियम जो होता है, कूलिंग, एक न्यूटन ने कूलिंग से रिलेट करके एक नियम दिए थे, तो उसके अनुसार यह होता है कि कोई कांस्टेंट क्षेत्रफल की सतह के लिए किसी वस्तु, किसी बॉडी के शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण जो होता है, एनवायरमेंट जो होता है, उनके बीच के टेम्परेचर के अंतर के समानुपाती होता है। ये न्यूटन का कूलिंग नियम है, न्यूटन का शीतलन नियम होता है, उसी पे ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है, तो शीतलन की दर जो है बॉडी और उसके आसपास की चीजों के टेम्परेचर पे के अंतर पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, थर्म किसका यूनिट है? थर्म जो है किसका यूनिट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऊष्मा। थर्म जो है ऊष्मा का यूनिट होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता होगा ही कि थर्म जो होता है वो ऊष्मा का गैर एसआई मात्रक है। ऊष्मा का एक गैर एसआई मात्रक है, यह जो होता है ब्रिटिश या थर्मल यूनिट बीटीयू के समतुल्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन में जनरली सिंपल ये बस इसे ये याद रखिए कि थर्म किसका यूनिट है, ये ऊष्मा का हीट का यूनिट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, जल का क्वथनांक उच्च तुग्धता पर किस कारण से घट जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न वायुमंडल, वायुमंडलीय दबाव जो है, वायुमंडलीय प्रेशर जो है कम होने पे जल का क्वथनांक उच्च तुग्धता के कारण घट जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी है, इसके इससे एक रिलेट ऐसा एक प्रॉपर्टी है कि जल का क्वथनांक जो है अधिक ऊंचाई पर क्या हो जाता है, निम्न वायुमंडलीय दबाव के कारण वो घट जाता है। तो घटने की वजह से क्या होता है दोस्त, क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कमता है। इसी वजह से न्यून वायुमंडलीय दाब के कारण जल का क्वथनांक जो है तुगुनता पर के कारण घट जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है, जब किसी चीज को पानी में डुबाया जाता है तो वह सामान्य में पानी का को विस्थापित करेगा। जब किसी भी चीज को पानी में डुबाया जाता है तो किस चीज को विस्थापित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो जो होता है आयतन को विस्थापित करता है। किसी भी खंड को, किसी भी टुकड़ा को अगर पानी में डुबाया जाता है तो वो क्या होता है, आयतन को विस्थापित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान आयतन के पानी को विस्थापित करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, बिल्कुल सही है। एक घनत्व 1 ग्राम पर सीसी कितना टेम्परेचर पे होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व जो होता है 1 ग्राम पर सीसी होता है, वो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, बादल जो है किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, बादल वायुमंडल में किस कारण तैरते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एसएससी में क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को याद ही कर लीजिए, बिहेवियर ही लगा लीजिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। बादल जो है किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण। बादल जो है, बादल पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे टुकड़े से मिलकर के बनते हैं। बादल क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े को मिलकर के बनते हैं, बर्फ या पानी के टुकड़े को मिलकर के बनते हैं। वही जो छोटे छोटे जो कण होते हैं उसका घनत्व इतना कम होता है, उसका घनत्व इतना कम होता है दोस्त कि ये हवा में आसानी से क्या होते हैं, तैरने लगते हैं, हवा में आसानी से तैरने लगते हैं। और बादलों के संघनन के कारण बूंदे बनती है, बादल जब एक आपस में जब संघनन होते हैं तो क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या होते हैं, संघनन के कारण क्या होते हैं, बूंदे बनती हैं। ऐसा तब होता है जब वह गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और
ठंडी हवा ठंडी हो जाती है, ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण, निम्न डेंसिटी लो डेंसिटी के कारण जो होता है बादल जो होता है वायुमंडल में तैरते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, अधिक जलन जो होती है किससे पैदा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप से, भाप से होती है अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होता है, भाप से अधिक जलन होती है क्योंकि भाप के बाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा, गुप्त ऊष्मा जो होता है ऊष्मा को वैसा मात्रक होता है दोस्त कि किसी पदार्थ के एक ग्राम द्रव्यमान के, किसी पदार्थ के एक ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसी अवस्था में परिवर्तन कर देता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप, भाप में क्या होता है दोस्त, गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक जलन पैदा करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं, अभिवहन उसको कहते हैं, ठीक है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा को अभिवहन कहते हैं, ठीक है, अभिवहन को कभी कभी इंग्लिश में पूछ दिया जाता है एडवेक्शन इसको बोला जाता है, इंग्लिश का एक मीनिंग है एडवेक्शन, क्या होता है इसमें दोस्त कि वायु की क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन एडवेक्शन कहा जाता है, एडवेक्शन कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एसएससी मैट्रिक स्तरीय 2008 में पूछा गया था, रेलवे के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ दोस्त जो कि आने की पॉसिबिलिटी बहुत है, ये इस वीडियो में कलेक्शन करके क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्ट गंभीर होता है, क्योंकि आपको पता ही ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाप में क्या होता है गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा के कारण जो होता है उबलते जल में गुप्त ऊष्मा होता है जिससे वो बहुत ज्यादा कष्टदायक होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में कर सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न दाब और उच्च टेम्परेचर, निम्न दाब और उच्च ताप पे जो होता है एक वास्तविक रियल गैस जो होता है एक आदर्श गैस के रूप में कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें संवहन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल द्रव और गैस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे भीवे लगा लीजिए, संवहन जो होता है दोस्त ये द्रव और गैस दोनों में होता है, केवल द्रव और गैस ये दोनों में संवहन होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण होता है, क्या होता है उसमें छोटे छोटे जो टुकड़े अणु होते हैं उस दोनों के बीच स्थानांतरण होते हैं, और उस स्थानांतरण के द्वारा क्या होता है कि एक भाग दूसरे भाग में होने वाले ऊष्मा संचार को अपने आप में क्या करते हैं संवहन करते हैं, संवहन कहने का मतलब संवहन अपने आपस में क्या होता है संवहन करते हैं, संवहन प्रक्रिया ठोस में नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्त कि संवहन प्रक्रिया जो होता है ठोस में नहीं होती है, ठीक है, ठोस में नहीं होती है, बाकी ये द्रव और गैस ये दोनों में होती है, इसमें संवहन प्रक्रिया नहीं होती है, संवहन प्रक्रिया केवल द्रव और गैस में होती है, ये याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित द्रव में कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, निम्नलिखित द्रव में कौन से द्रव का वाष्पन जो होता है सबसे अधिक तेजी से होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त एल्कोहल, एल्कोहल में जो होता है एल्कोहल एक द्रव है जो जिसमें वाष्पन सबसे अधिक होता है, ठीक है, अधिक तीव्रता से होता है, ठीक है, क्योंकि क्यों होता है दोस्त, क्योंकि जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है, ये इसका प्रॉपर्टी है कि जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप अल्कोहल का क्वथनांक अगर देखा जाए तो ये 79 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अल्कोहल का जो क्वथनांक जो होता है 79 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी लगा लीजिए, क्रायोजेनिक जो है निम्न टेम्परेचर पर डिपेंड करता है,
क्रायोजेनिक जो है निम्न टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप और वैद्युत उष्मामापी। ताप और वैद्युत उष्मामापी को यूज करते हैं हम लोग सबसे अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा क्या होता है, न्यूनतम टेम्परेचर को मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारा का रंग जो होता है ये बल्ब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसे भी आप विभेद लगा लीजिए। तारों का रंग जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, गैस फ्लेम जो ज्वाला होता है, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन लुमिनस जोन। गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को नॉन लुमिनस जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नॉन लुमिनस जोन का एक प्रॉपर्टी होता है दोस्त, क्योंकि नॉन लुमिनस जोन जो होता है गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग होता है। क्या होता है? गर्म नॉन लुमिनस जोन जो होता है सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, इस तरह का एक देख लेते हैं, ऐसे लाइट देता है, ये जो होता है पोर्शन ये सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, गर्म भाग होने के कारण क्या होता है कि इसका रंग जो होता है ब्लू कलर का होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका जो होता है ब्लू कलर का होता है। नॉन लुमिनस जोन का जो एरिया होता है वो ब्लू कलर का होता है, इसका रंग ब्लू कलर का होता है। और यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग है। ये क्या है? ज्वाला का सबसे बाहरी भाग है। ये इस जोन को जो होता है नॉन लुमिनस जोन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गैस फ्लेम ज्वाला जो होता है सबसे गर्म भाग को क्या बोला जाता है, तो गर्म भाग को नॉन लुमिनस जोन बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दी गई कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? शीतकाल की बात हो रहा है दोस्त कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दो कमीज के बीच वायु की परत रोधी माध्यम में कम करती है। कहने का मतलब यह हुआ, इसका एक प्रॉपर्टी है दोस्त कि शीतकाल में मोटी कमीज की अपेक्षा जो है दो पतली कमीज जो है हमेशा अधिक गर्म रखती है। इसका रीजन ये है कि दो कमीज के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। दो कमीज के बीच जो है वायु के जो परत रोधी जो है वो जो है परत रोधी के रूप में काम करती है। वायु ऊष्मा का क्या है दोस्त? कुचालक है। ठीक है, इस वजह से वो दो कमीज के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में वो काम करती है, शीतकाल में मोटी कमीज जो होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, जल बाष्प में भंडारित ऊष्मा क्या होता है? जल बाष्प में क्या होता है दोस्त? गुप्त ऊष्मा भंडारित। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो? कोई पिंड जो है ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है तो वो क्या होता है? उसका कलर जो होता है काला और खुरदरा जो होता है, काला और खुरदरा कलर का एक प्रॉपर्टी है कि उसका अवशोषण बहुत, ऊष्मा का अवशोषण सबसे ज्यादा करता है काला रंग। ठीक है, ब्लैक कलर ऊष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषण करता है। ठीक है, वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। ये किरचॉफ के अनुसार यह नियम को ऊष्मा का उत्सर्जक भी होगा। किरचॉफ का एक नियम भी किरचॉफ ने ऊष्मा से रिलेटेड एक नियम भी दिए थे जिससे यह रिलेट करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, तत्व जल के थैले में जल का प्रयोग किया गया जाता है क्योंकि? तत्व जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तत्व जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है दोस्त? अधिक होने की वजह से वो विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने की वजह से वो इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने की वजह से क्या होता है? तत्व जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, धातु की चाय बानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ठीक है, धातु के
सॉरी धातु के पायदान में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी उष्मा का कुचालक होते हैं, इसीलिए लकड़ी के पायदान में जो लकड़ी का पायदान में जो होता है धातु की कोई भी धातु के पायदान में लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है क्योंकि वो लकड़ी होता है उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्फ के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरादा जो है उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। ठीक है, जिससे बुरादा में होकर उष्मा आर पार नहीं जा सकती है, बुरादा में होकर के उष्मा आर पार नहीं जा सकती है। अतः इससे होता क्या है कि जब बर्फ के चारों ओर बुरादे से ढक दिया जाता है तो वायुमंडल की उष्मा बर्फ तक नहीं पहुंच पाती है और बर्फ पिघलने से क्या होता है बच जाता है, इसीलिए बर्फ को जो है बुरादा से पैक किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसे आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों जो मैं वीवीआई क्वेश्चन लगाता हूँ वो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि उस टाइप के एग्जाम बहुत आते हैं, आप उसे एकदम कंटिन्यू एकदम कंफर्म याद ही कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ताप उत्क्रमण होता है। ठीक है, ताप उत्क्रमण होता है किस चीज पे होता है? क्योंकि ताप उत्क्रमण धनात्मक हाश पे होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर्टी है दोस्त, ताप उत्क्रमण का इससे रिलेट करके एक प्रॉपर्टी होता है क्योंकि जब ऊंचाई बढ़ने से तापमान में क्या होता है, वायुमंडल का ऊंचाई अगर बढ़ते हैं देखा जाए तो वायुमंडल की ऊंचाई जाने से उस पर टेम्परेचर की कमी आती है और टेम्परेचर की कमी आने से उस समय नकारात्मक जब कोई ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है तापमान में होता है वृद्धि होती है और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी को ही ताप उत्क्रमण कहते हैं। सॉरी, इसका प्रॉपर्टी ये नहीं है, प्रॉपर्टी जैसे जनरली ये होता है कि ताप बढ़ने पे क्या होता है, जब ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में कमी होती है, वही चीज पूछ रहा है। बस इसे सिंपल ये याद रखे कि ताप उत्क्रमण होता है, क्या होता है, धनात्मक हास होती है। क्यों होता है? क्योंकि जब वायुमंडल के ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर का क्या होता है कमी होती है, हास होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ दोस्त, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? शीतकाल में कपड़े जो है गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण के कारण मेघाच्छादन रात में पृथ्वी की विकिरण उष्मा न जाकर बादल एवं पृथ्वी के बीच ही बनी रहती है जिससे मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात ठंडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करते हैं इसलिए द्रव तापमापी को गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी को किसी तापमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होता है दोस्त, कमी होती है और बाद में क्या होता है बढ़ने लगती है। ठीक है, ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवन। ध्रुवन का एक प्रॉपर्टी है दोस्त कि किसी भी फोटोग्राफ के लिए अपेक्षित उद्भाषण कालिक होता है वो पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो निर्भर पदार्थ की चमक क्या होता है, ध्रुवन पे निर्भर करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग जो है ध्रुवन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिससे नीचे का टेम्परेचर पे क्या होता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव पॉसिबल नहीं होता है, उस स्थिति को देहली आवृत्ति बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए विद्युत ऊर्जा का जो है उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है? ठीक है,
प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग जो है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन करता है, ठीक है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस जो है सबसे अधिक बैगनी रंग विचलन करता है, क्योंकि क्यों करता है दोस्त, क्योंकि बैगनी रंग का प्रॉपर्टी है कि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और प्रिज्म से इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है, इसलिए वो क्या होता है सबसे अधिक विचलन करती है। चल ठीक है, ठीक है, थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो इस वीडियो में तो कृपया आप कमेंट कर सकते हैं और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें और जो नहीं सब्सक्राइब किया कृपया करके सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़िए। मैं ऑलरेडी बहुत से अच्छे अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूंगा एंड स्पेशली फॉर रेलवे, रेलवे एंड SSC के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट GK, GS एंड करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चला रहा हूँ। आप कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहें, ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।